तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी ऑरेंज फ्रूट केक, जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो जो व्यूवर्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की यम्मी रेसिपीज आपके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे, और सबके साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाते हैं यम्मी फ्रूट केक। हेलो फ्रेंड, कुक विद रानु में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हमारे किचन में, चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑरेंज फ्रूट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने देखिए इस बाउल में फ्रेश ऑरेंज जूस 1.5 कप लिया है, और इसमें मैंने फ्रूट्स कुछ काट के लिए है, जिसमे की काले और हरे अंगूर है, एप्पल है और बनाना है, और कुछ हमने ये जेली लिया है जो की कलरफुल फ्रूट्स जेली है। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम फ्रूट्स के लिए सबसे पहले हम एक लेयर तैयार करेंगे। तो इस तरह देखिए, हमने सॉसपैन में 1.5 कप पानी लिया है। ये 1.5 कप पानी इसमें आप लेंगे, ये चिल्ड पानी होना चाहिए, इस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रहना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और इसमें अब हम डालेंगे ये 3 टेबल स्पून शुगर। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, और इन सारी चीजों को अब हम मिक्स कर लेंगे। इसे आप इस तरह से मिला लीजिए, और अब चलिए इसे हम फ्लेम पर रखते हैं और चीनी के घुलने तक इसे हम पका लेंगे। तो फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, और इसे आप इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि इसमें चीनी पूरी तरह से खुल न जाए। और घुलने के बाद जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो देखिए, हमारी इसमें शुगर घुल चुकी है और इसमें बॉयल आ गया है। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे उतार लेते हैं। तो आज हम फ्रूट केक इसमें बनाएंगे, ये जो केक बनाने वाली मोल्ड है इसमें। तो इसमें चलिए अब हम अपने फ्रूट्स के इन लेयर्स को डाल देते हैं। तो इसमें आप पूरे फ्रूट्स के लेयर को अच्छी तरह से इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हम जेलो भी डाल देंगे। तो देखिए, इसमें हमने फ्रूट्स के सारे लेयर्स को डाल दिया, और अब हम इसमें धीरे धीरे हम अपने इस जूस को इसमें डालेंगे। आप इसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए, और इसे पूरा कवर कर देंगे फ्रूट्स को। चलिए देखिए, इसे डालने के बाद अब हम इसे साइड में रखते हैं, और अब हम अपने इस ऑरेंज जूस को लेते हैं, और इस ऑरेंज जूस में भी हम डालेंगे ये 3 टेबल स्पून शुगर। आप शुगर की मात्रा कम या अधिक कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये 1.5 टीस्पून कॉर्न स्टार्च। इसे भी आप अच्छी तरह से पहले इसमें मिक्स कीजिए। चलिए, इसे हमने मिला लिया है, और इसी पैन में अब हम इस जूस को भी डालेंगे, और इसे भी फ्लेम पे हम रख देंगे, और इसे भी बॉईल होने तक इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो इस तरह से इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि इसमें शुगर मेल्ट हो जाए, और ये कॉर्न स्टार्च के कारण ये भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए हम हल्का सा ये 1 इंच फूड कलर डालेंगे, और इसे देखने में ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए, अब ये ठीक होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये पैन में नीचे पकड़ लेगा। तो देखिए, अब हमारा ये तैयार हो गया है, इसलिए इसको भी ऑरेंज लेयर बनाने के लिए। तो चलिए, हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, और इसे भी अब हम इसपे डाल देते हैं। तो चलिए, हम इसे धीरे धीरे इस पर कोट करते हैं। तो इस तरह से आप इसके ऊपर करें। तो देखिए, इस तरह से हमने ऑरेंज के भी लेयर को डाल दिया। अब या तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और ठंडे होने के बाद आप फ्रिज में इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए, इसके बाद हम सर्व करेंगे, या फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पे
इसी तरह अपने आप ठंडा होने दीजिए ताकि ये पूरा सेट हो जाए। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा कूल होने देते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं। तो चलिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, 2 घंटे के बाद निकालेंगे। तो देखिए अब हमने इसे 2 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से पूरी सेट हो गई है। तो इसे आप थोड़ा सा इस तरह से साइड साइड से करके इसे इस तरह से छुड़ा लीजिए। और एक अब नाइफ की सहायता से आप इस तरह से साइड साइड से थोड़ा सा इसे घुमाते हुए अंदर साइड में छुड़ाते जाइए। और चलिए इसे अब हम इस तरह से पलट लेते हैं। वाह, तो ये देखिए कितना मजेदार हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज केक बनकर रेडी हुआ है ये देखिए। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल केक बनकर रेडी हुई है। इसमें जो अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर है बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप अपने मनपसंद जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो उसको इसमें यूज कीजिए और बनाइए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी केक बनकर रेडी हुआ है। और कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की रेसिपीज आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, टेक केयर एंड बाय।